महिलाओं का कोई इनके दिलो दिमाग में कोई ना तो उनके लिए कोई दया है ना उनके अधिकार की कोई ये पैरवी करते हैं। तो उन केसों में अगर कोई आम वैसा सामान्य नागरिक होता तो उसको घसीटते हुए पुलिस मार मार करके जेल में अंदर कर देती। सांसद जनता ने इसलिए थोड़ी बनाया था तू महिलाओं का सेक्सुअल हरासमेंट करेगा, ये थोड़ी कहा था तुम जा करके दूसरी महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करो, उनको उनके साथ अय्यासी करो, उनके साथ तुम शोषण करो उनका, इसलिए थोड़ी भेजा था तुम्हें उसके लिए। तो ये सारा बाबा साहब एक के ऊपर एक को बाप को बिठा के गए हैं, किसी की पावर नहीं है। तो तब इन लोगों ने भी कुछ बयान दिए थे, उल्टे सीधे बयान दिए थे, उनके खिलाफ दिए थे। लेकिन कहते हैं ना जब तक अपने ऊपर पड़ती नहीं है जब तक आदमी को पता नहीं चलता, भले ही हमारे धरनों में ना आए हो, भले ही हमारी मनीषा के लिए ना आए हो, भले ही हमारी दूसरी बहन बेटियों के लिए ना आए हो, लेकिन हम आएंगे क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं अशोक अज्ञानी जी। क्या कहेंगे अज्ञानी जी, पहलवान बेटियाँ जो हैं अभी जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं और धरने को काफ़ी दिन हो गए हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई अभी तक कोई भी डेलीगेशन या कोई तमाम कोई लोग नहीं आए इनकी सुध लेने के लिए, ऊपर से लाइट और तमाम चीज़ें जो सुविधाएँ हैं वो काट दी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और लेकिन इसको इस परिवेश में देखें कि जो अभी पार्टी बैठी है, जिस दल की पार्टी बैठी है, जिस संगठन की, वो महिला विरोधी हैं। उनकी जो उनके डायरेक्शंस हैं उनके धर्म के, दूसरी चीज़ों के, तो उसमें महिला विरोध है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं, सकल ताड़ना के अधिकारी। जैसे महाभारत में वो पाँच लोगों ने एक महिला को बांट लिया, माँ ने बिना देखे कह दिया कि वस्तु लाए, वो वस्तु कह रहे हैं, जुए में लगा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो महिला की कोई वहाँ वैल्यू थोड़ी है, तो इसीलिए बेटियाँ तो उनके लिए नाम की हैं, जब मेडल लेके आए तो बेटियाँ हैं। और जब उनके खिलाफ, जब किसी के खिलाफ बोले, उनको लगे हमारे खिलाफ हो रहा, हमारी नीतियों के खिलाफ बात कर रहे हैं ये, तो तब ये महिलाएँ हैं, तब नारियाँ हैं। और शोषण का तो अधिकारी हैं इनके, इनके उसमें लिखे हुए हैं, वेदों में ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वह शोषण के अधिकारी हैं। इस पर बहुत चर्चा भी चली थी अभी। तो इसीलिए महिला विरोधी सरकार है, महिला विरोधी विचारधारा के लोग हैं और इसलिए ये नहीं आ रहे हैं। और ये अब इनको सबक सिखाएंगी महिलाएं, 50% आबादी इस देश की अब खड़ी होगी। ये जो जिस तरीके से 2013 में करप्शन के खिलाफ इसी जंतर मंतर से आवाज़ उठी थी, अब दोबारा से ये बड़े हल्के में ले रहे हैं, ये आवाज़ बहुत बहुत भारी जा रही है। तमाम लोग नज़र रखे हुए हैं और हम जैसे भी लोग भी यहाँ आ करके इनके समर्थन में, इन बेटियों के समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि जाति की धर्म की बात नहीं है ये बिल्कुल बात है भारत के संविधान की, भारत के अधिकारों की, भारत के कमज़ोर तबकों की, कि क्या कमज़ोर तबकों को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, कि सिर्फ आप भाषण ही झाड़ते रहोगे इनको बिठा करके अपने घर में, जब ये मेडल लेकर के आए तो बेटियां बना लो, इनको चाय पिलाओ, खाना खिलाओ और कहो तुम हमारी बेटियाँ हों, बेटियाँ मान लो। और जब बेटियाँ अपना हक मांगे, जब बेटी के खिलाफ शोषण हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, और जब वो आवाज़ उठाए तुम्हारे किसी मंत्री के खिलाफ, तुम्हारे के पार्टी के सांसद के खिलाफ, तो फिर तुम कहोगे अरे तो बेटी तो गलत कर रही है, तू तो गलत आवाज़ उठा रही है तू तो। तो इसलिए ये लोग जिस परिवेश से आते हैं, महिलाओं का कोई इनके दिलो दिमाग में कोई ना तो उनके लिए कोई दया है ना उनके अधिकार की कोई ये पैरवी करते हैं, और उल्टा जो संविधान में अधिकार है उसको भी तोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन ब्रजभूषण सिंह जी लगातार ये बोलते रहे कोई सबूत, कोई ऑडियो वीडियो कुछ तो मेरे खिलाफ लाओ, कुछ तो मेरे खिलाफ सबूत आप पेश करो, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। कहाँ दें, सड़कों पर, जंतर मंतर पे, या पार्क में, कहाँ पर दें? केस दर्ज हो गया, अब कोर्ट में जाएगा ना मैटर, पुलिस तो वो तो कोर्ट की बात तो वो भी कर रहे हैं, कोर्ट में मामला है, पहले जेल में तो जाओ भाई, रिजाइन तो करो। जिन धाराओं में केस दर्ज है, पॉक्सो में और दूसरे सेक्सुअल हरासमेंट के केसों में, दो FIR दर्ज हुई हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो उन केसों में अगर कोई आम वैसा सामान्य नागरिक होता तो उसको घसीटते हुए पुलिस मार मार करके जेल में अंदर कर देती, उसका अभी तक बैंड बजा दिया होता। और इन धाराओं में होने के बावजूद भी वो खड़ा होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और तू सबूत मांग रहा है, सबूत तो कोर्ट में मिलेगा ना, पहले आत्मसमर्पण तो कर भाई, पहले जा करके इनको कम से कम रिजाइन करो, और नहीं ये करता है तो सरकार को इसको बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई सांसद बना हूँ तो मैं कोई विघ्नेश फोगाट की वजह से थोड़ी ना सांसद बनाऊँ, ये तो मुझे उस प्रदेश की जनता ने बनाया। आपने विघ्नेश फोगाट का फिर सेक्सुअल हरासमेंट क्यों करा? आपको इसलिए थोड़ी सा बनाया था वो चेयरमैन या सांसद जनता ने इसलिए थोड़ी बनाया था तू महिलाओं का सेक्सुअल हरासमेंट करेगा, नहीं वो सांसद की बात कर रहा था कि मुझे सांसद मेरे इलाकों की जनता ने बुलाया, तो जनता ने इसलिए बोला था कि मंत्री जी यहाँ जाओ, सांसद साहब हम आपको अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं, जिसमें वोट देने में महिलाएँ भी थी, तमाम वर्ग थे, उन्होंने कहा था कि तुम जाओ और हमारे अधिकार की बात करो, हमारी सुरक्षा की बात करो, ये थोड़ी कहा था तुम जा करके दूसरी महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करो, उनको उनके साथ अय्यासी करो, उनके साथ तुम शोषण
करो उनका, इसलिए थोड़ी भेजा था तुम्हें उसके लिए। तो तुम अगर तुम्हारा चरित्र खराब है, अब जनता को पता चल गया, अब देखो अब कैसे तुम्हें बनाती है जनता। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है हत्या का उनका लगातार ये भी कह रहे हैं वो हत्यारे हैं और हत्या का मुकदमा भी उन पर लगा है। तो उन्होंने कहा है कि वो जो हत्या का मामला था वो क्रॉस फायरिंग का मामला था, इस वजह से हत्या हुई थी। हत्या के भी तमाम चीज़ें जो यहाँ पर इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है उनके गुनाह यहाँ पर लिखे गए हैं। 38 केस, एक दो नहीं है और पेंडिंग है सारे, और एक में भी अभी तक ऑर्डर पेंडिंग, कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ है, ना इनके पक्ष में हुआ है ना खिलाफ हुआ है, वो पेंडिंग है। और आरोपी हैं, 38 केसों में आरोपी हैं। FIR दर्ज है, उत्तर प्रदेश के थानों में दर्ज है, बहुत दिल्ली के थानों में दर्ज है, और अब ये दो केस और ये हो गए, मतलब 40 केस जिस आदमी पे, वो अपने आप को पाक साहब बता रहा है, वो कह रहा है जी मैं तो बड़ा पाक साहब हूँ, और ऐसी ऐसी धाराएँ लगी हुई हैं जिनमें की उम्र कैद हो सकती है, ऐसी बड़ी बड़ी धाराएं लगी हुई हैं। तो वो आदमी कह रहा है कि पेंडिंग केसेस में, वो आदमी कह रहा है कि जी मैं पाक साहब हूँ, मेरे खिलाफ बोला, भैया कोर्ट में देंगे, कोर्ट में जाएगा कि मैटर, कोर्ट में ये महिलाएं लड़कियां देंगी अपनी बात कहेंगी। लेकिन ये भी वो कह रहे हैं कि एक कुनवा है, सिर्फ एक ही कुनवा है, एक ही परिवार है जो लगातार इस तरीके की बात कर रहा है। देश के तमाम पहलवान हैं, वो तो अभी वो क्यों नहीं इनके साथ आ रहे हैं? योगेश्वर दत्त हैं, वो भी हैं, तमाम और भी हरियाणा के खिलाड़ी हैं, वो क्यों नहीं आ रहे इनके साथ, सिर्फ 3-4 को छोड़कर? योगेश्वर दत्त का तो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं करा ना, तो आपने करा भी होगा तो बोल नहीं रहा है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये रही कि जो ये विनेश फोगाट लड़की है, मैंने सुना है इसकी जो एक बहन है वो उसमें बीजेपी में है, वो भी तो उसके कुनवे की है जो बीजेपी में तुम्हारे साथ खड़ी है, नहीं आ रही है। इन्हीं के कहने पे तो उनको फिर उसमें कमेटी में डाला था। हाँ। इन्हीं लोगों ने कहा था कि भाई कमेटी में डालिए। हाँ। तो कमेटी में डाला गया, उसके बाद कमेटी पे भी, कमेटी की जांच में उन्हें निर्दोष साबित किया गया है, उस कमेटी पे और भी भरोसा नहीं है। नहीं, वो तो हुआ ही नहीं ना, वो 30 दिन का जो टाइम दिया, 3 महीने का इनको, उसमें जब अगर आप निर्दोष थे उस कमेटी की जो आपने बनाई थी, खेल मंत्री ने यहाँ पर आकर के आश्वासन दिया था, इनका धरना उठवाया था, तो वो कहाँ रिपोर्ट, सार्वजनिक करो उसको रिपोर्ट को, उसमें क्या लिखा, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लिया, इनसे जबरदस्ती साइन करवा लिए, इनको पढ़ने को भी नहीं दी, उसमें क्या लिखा, कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई है? ये तो खिलाड़ी कह रहे हैं हम 3 महीने से इंतजार कर रहे हैं, हमसे कोई पूछे, हमसे कोई बात करे, कोई कमेटी नाम की कोई आई नहीं है, फोन कर रहे हैं तो कोई कमेटी नहीं है, और जब ये मजबूरी में आकर के दोबारा यहाँ बैठे हैं तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो अब देखिए जो माननीय हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं देश के, अब वो तय करेंगे, उन्होंने कह दिया मैं खुद देखूंगा इसको, और वो आया रीढ़ वाला आदमी जज आया है, जो कि अब वो झुकने वाला नहीं है इस समय, वो राष्ट्रीय हीरो है, और तुम्हारी हैसियत भी नहीं है उसके खिलाफ कुछ करने की तिकड़म। अब वो बताएगा ना, परसों फिर डेट है, 6ठे दिन फिर उसने कहा कि केस दर्ज करके मेरे सामने लाओ, अब इनको अरेस्ट करवाएगा, इस बार अरेस्ट करवाना है। चीफ जस्टिस देखिए, बाबा साहब ने वो चक्रव्यूह बनाया संविधान का, तो उसने कहा कि इन्होंने सोचा कि हमारी पावर है, हम बन गए फुल पावर से, लेकिन उनको नहीं पता सुप्रीम कोर्ट भी बैठा है, उसमें भी संवैधानिक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी हुई है जो कि पूरे देखती है कि क्या करना है। तो ये सारा बाबा साहब एक के ऊपर एक को बाप को बिठा के गए हैं, किसी की एक की पावर नहीं है। अगर तुमने दर्ज नहीं कराया और ये पता चल गया पूरे देश को कि बेटियों को न्याय के लिए बीजेपी सरकार ने और मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, इसका जो अगर केस भी दर्ज हुआ है, एफ आई आर भी दर्ज हुई है, तो वो भी माननीय चीफ जस्टिस जी के कहने पे हुई है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई है जो हुई है। तो इसीलिए देखो ये फेल हो गई सरकार की पूरी कलाई खुल गई है कि मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है, SC ST विरोधी है, ये नौजवान विरोधी है, विद्यार्थी विरोधी है, इनको सिर्फ एक आदमी को, 2-3 आदमियों को सारा माल पहुंचाना है, जो 14 लाख करोड़ रुपए के एक आदमी एक पूंजीपति बर्बाद कर रहा है इस देश का, और उसके ऊपर ये कुछ नहीं कह रहे हैं, जो पीएम केयर फंड है उसमें अरबों रुपए के घोटाले हुए हैं, उसके ऊपर कोई नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। भाई तुम्हारा पर्सनल कैसे हो सकता है? ये RTI में कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड तो इस पर्सनल है, पर्सनल कैसे है? आपने जनता से मांगा, पीएम होते हुए जनता से पैसे मांगे, भाई उसमें कौन सी ब्लैक मनी है ये बताओ। ये फाइल पहुंच गई चीफ जस्टिस के पास, ये बुलाने वाले हैं। तो इसीलिए देखिए बहुत सारी लोचा है, अभी सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, और इनको जोर का नहीं बड़ा भयानक झटका कर्नाटक की जनता। लेकिन अज्ञानी जी एक सवाल खड़ा होता है, हरियाणा में इतने सारे कांड हुए, गोहाना कांड हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ, तमाम ऐसे कांड हुए, और जहाँ पर बहन बेटियों की अस्मिता भी लूटी गई, मनीषा वाल्मीकि का कांड देख लीजिए, लेकिन तब ये पहलवान कहाँ थे? तब तो ये सोते रहे। नहीं देखिए ऐसा है कि यही पहलवान है कि जब वहाँ का घटना हो रही थी उधर की, उस NRC के लिए जब बैठे हुए थे वहाँ पर शाहीन बाग में महिलाएं, वो मेरे ख्याल से कल आएंगी वो इनके समर्थन में, तो तब इन लोगों ने भी कुछ बयान दिए थे, उल्टे सीधे बयान दिए थे, उनके खिलाफ़ दिए थे। लेकिन कहते हैं ना जब तक अपने ऊपर पड़ती नहीं है, जब तक आदमी को पता नहीं चलता, जब तक लगता हम तो पहलवान है जी, हम तो मेडल लेके आए, हम तो ऊँची जाति के हैं, हमारे पास तो खूब है धन,
प्रधानमंत्री मंत्री संतरी से सीधे डायरेक्ट बात है, तब तक तो लगता है कि भैया हम बिल्कुल, हमें तो ये दूसरे मच्छर हैं, इनको छोड़ो, इनका कुछ हो नहीं है। लेकिन जब खुद पे पड़ती है तो तब पता चलता है। लेकिन हम भले ही हमारे धरनों में ना आए हों, भले ही हमारी मनीषा के लिए ना आए हों, भले ही हमारी दूसरी बहन बेटियों के लिए ना आए हों, लेकिन हम आएंगे क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम भारत के संविधान को प्यार करने वाले लोग हैं, हम एक एक नागरिक को मानने वाले लोग हैं, हम मानते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। अगर किसी भारतीय पर विपत्ति आएगी तो हम आकर के पहले खड़े होंगे, क्योंकि हम इस देश में संविधान और बाबा साहब के लोग हैं और हम सबको इक्वल देखना, एक दृष्टि से देखते हैं। तुम मत आओ, भले ही हमारे लिए हमारी पीड़ा में मत खड़े हो, लेकिन हम हर एक की पीड़ा में खड़े होंगे। तो अशोक अग्ञानी जी से लगातार आप इनके इंटरव्यू देखते रहते, तमाम बातें और एक विश्वास और एक आवाज़ वो जो बाबा साहब की है, आवाज़ वो जो संविधान की है, जो लगातार इस देश को तमाम चीज़ों में बांधे रखती है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।